सेंटेंस चैप्टर 3 इंग्लिश ग्रामर का द नाउन स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस एंड नोटिस द वर्ड इन बोल्ड मीरा इज अ मेलोडियस सिंगर आई लिव इन दिल्ली देयर इज अ बिग टेबल इन द सेंटर ऑफ द रूम जॉय एंड सॉरो आर पार्ट्स ऑफ लाइफ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सो ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं वो क्या है मीरा पर्सन का नेम है दिल्ली प्लेस का है टेबल एंड रूम थिंग्स हैं जॉय एंड सॉरो देयर कंडीशंस एंड क्वालिटी ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी है ना तो ये सब क्या हो गई हमारे नाउन हो गए नाउन इज द वर्ड यूज टू नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग कंडीशन और क्वालिटी है ना एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स आप देख रहे हो पर्सन के नेम प्लेसेस के नेम थिंग्स कंडीशंस हैप्पीनेस एंगर सॉरो यूथ है ना क्वालिटी क्या हो सकती है ट्रूथफुलनेस सच्चाई है ना साहस कोई ब्रेव ऑनेस्टी एक्सेट्रा काइंड्स ऑफ नाउन्स नाउन्स के 5 काइंड्स होते हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन एब्सट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन तो आई के करके आपके सभी काइंड्स बार करेंगे फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और तो अब एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम आपको पता चलेगा प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा नीतू नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन केरला नेम्स अ पर्टिकुलर प्लेस त्रिजगंगा नेम्स अ पर्टिकुलर रिवर एक रिवर का नाम है ना इंडिविजुअली जैसे कॉमन नाउन नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग ऑफ द सेम काइंड वैसे ही होता है जैसे प्रॉपर नाउन होता है बट इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर नेम अब आपको पता चलेगा प्रॉपर नाउन क्या है और कॉमन नाउन क्या है लाइक पीपल मदर फादर बॉय गर्ल स्टूडेंट टीचर अब ये सब पीपल्स हो गए बट नीतू जैसे था तो एक गर्ल का नेम था तो प्रॉपर नाउन हो गया बिकॉज एक गर्ल का पर्टिकुलर नाम हो गया नीतू एनिमल्स हैं डॉग कैट है एलिफेंट है लॉयन है इसका अगर कोई नाम होता तो थिंग जैसे टेबल बुक या प्लेस है स्कूल हॉस्पिटल सिटी स्टेट तो स्टेट जैसे हो गया केरला तो एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम हो गया ऐसे अगर प्लेस लिखा होगा सिर्फ स्टेट लिखा होगा तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा है ना नाउ कलेक्टिव नाउन्स ए कलेक्टिव नाउन्स नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ अ पर्सन थिंग टेकन टुगेदर एज अ ग्रुप कलेक्शन के नाम से पता चल रहा है ना कलेक्शन होगा किसी चीज़ का आर्मी किसका कलेक्शन होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप्स टीम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हर्ड ग्रुप ऑफ कैटल मतलब जो भी दूध देने वाले जानवर होते हैं उन सबका ग्रुप ट्रूफ इज द कलेक्शन ऑफ डांसर्स नाउ एक कलेक्टिव नाउन कैन बी यूज एज अ कॉमन नाउन ऑल्सो ये कॉमन नाउन की तरह भी यूज होता है जैसे टीम आर्मी बंडल्स है ना अब किसी आर्मी का नाम होगा किसी टीम का नाम होगा जैसे फुटबॉल टीम तो हमारा वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ स्टेट क्वालिटी फीलिंग और आइडिया है ना किसी की क्वालिटी का किसी की फीलिंग्स का ये आइडिया हो सकती है जो हम छू नहीं सकते टच नहीं कर सकते लाइक ब्यूटी टच नहीं कर सकते है ना ओके नाउ मटेरियल नाउन नेम्स द मेटेरियल सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ किसी चीज़ की जो वस्तुएं बनी हो जैसे सिल्वर की आयरन गोल्ड कॉटन प्लास्टिक फाइबर मिलकर मटेरियल नाउन ओके नाउन आर ऑल्सो क्लासिफाइड और भी इनको डिवाइड किया जा सकता है जैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल्स में काउंटेबल्स क्या होती है कैन बी काउंटेड इन नंबर जो नंबर्स में काउंट की जाए जैसे बॉयज बेंचेस डॉग्स है ना हम इनको काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3 कितने अनकाउंटेबल में जिन्हें काउंट हम नंबर्स में नहीं कर सकते डू नॉट हैव अ प्रूवल फॉर्म लाइक हेल्थ को हम ना अपने नंबर्स में नहीं बोल सकते ना 1 health 2 health ऐसे नहीं बोल सकते तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स देर इज अनदर वे इन विच क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन कैन बी डन और एक और क्लासिफिकेशन दिया गया है नाउन का कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कंक्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी नेम थिंग्स यू कैन नॉट सी हेयर स्मेल टेस्ट और फील ऐसी चीज़ें जो आप देख नहीं सकते सुन नहीं सकते टेस्ट नहीं कर सकते और फील नहीं कर सकते है ना लाइक लव फियर एंगर ब्रेवरी डिजायर है ना ये सब कंक्रीट नाउन स्टैंड फॉर समथिंग दैट हैज अ फिजिकल फॉर्म ये किसी की फिजिकल फॉर्म होती है इट इज़ समथिंग दैट कैन बी टच्ड सीन और एक्वायर्स अ पोजिशन इन अ स्पेस पीपल्स प्लेस थिंग्स आर ऑल कंक्रीट नाउन तो सारे पीपल्स प्लेसेस और थिंग्स हमारे कंक्रीट नाउन हो गए क्योंकि पीपल आ गया प्लेस स्कूल मार्केट थिंग्स बॉटल टेबल तो कंक्रीट नाउन हो जो हमको फिजिकली दिखता हो नाउ फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे फॉर्म करते हैं जैसे एडजेक्टिव ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको यानी विशेषण जैसे आप हिंदी में करते हो ब्रेव तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन डार्क का डार्कनेस जैसे डार्क दिया अंधेरा तो डार्कनेस अंधेरापन
डीप गहरा होता है, डेप्थ गहराई, ग्रेट ग्रेटनेस ऐसी, लॉन्ग लेंथ, ऑनेस्ट ऑनेस्टी, ट्रू ट्रूथ, पुअर पुअर्टी, ब्यूटीफुल ब्यूटी, प्राउड प्राइड, नाउन ऐसी कॉमन नाउन्स दिए आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब्स दिए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, बॉय का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाएगा, कॉमन नाउन्स दिए हुए बॉयहुड, है ना, और सारी वर्ब दी हुई हैं ऑलरेडी आपको, क्रिया जैसे बोलेंगे तो आपको एडवर्ब में कैसे चेंज करना है वो आपको पता होना चाहिए, आपको ये लर्न होना चाहिए। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट होती है एडवाइस, देखिए एडवाइस दोनों ही सेम बोलते हैं ना, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडवाइस होती है, वर्ब में एसई एडवाइस होता है। नाउ अनसर्कल द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अनसर्कल करना है आपको और वो किस टाइप की नाउन है आपको बताना है। जैसे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, तो गोल्ड आपकी मटेरियल नाउन हो गया, प्रीशियस मेटल कॉमन हो सकता है, पैसिफिक देखिए किसी पर्टिकुलर ओशियन का नाम है ना, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, बाकी ओशियन तो कॉमन है। रोहन बैंड, ये बैंड देखिए, बैंड ऑफ म्यूजिशियन है, कलेक्टिव नाउन। आर्मी कलेक्टिव नाउन है। करेज एब्स्ट्रैक्ट, मदर एडवाइस, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। मदर यहाँ पे आप कॉमन नाउन लिख सकते हो, टीचर एब्स्ट्रैक्ट, इसमें एब्स्ट्रैक्ट विजडम और नॉलेज है, टीचर आपको कॉमन नाउन है। स्लमडॉग मिलियनेयर पर्टिकुलर पिक्चर का नाम है, मूवी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। नाउ मूवी कॉमन, शाहजहां, ताजमहल, आगरा, ये सभी प्रॉपर नाउन है क्योंकि प्लेस का नाम दिया है, किंग का नाम दिया है। दिस रूम लुक्स ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। ओके नाउ आपको कलेक्टिव नाउन्स में फिल करने हैं, आपको सेंटेंस पढ़ने हैं। दैट इंडियन टीम है ना, वॉन द मैच की याद हो रही है, तो टीम आएगा एनिमीज केम विद देयर फ्लीट ऑफ ships, यहाँ पे ships का कलेक्शन fleet होता है ना। स्टूडेंट्स की बात हो रही है, क्लास आएगा। एंड ग्रुप ऑफ पपीज इज लिटर, ग्रुप ऑफ वोल्स पैक होता है, ग्रुप ऑफ बनानास बंच, एंड ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड, ग्रुप ऑफ पीपल्स हार्ट क्राउड, भीड़ जिसे बोलते हैं ना। तो ये ग्रुप बताऊंगी, आप फिल कर लेंगे। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आपको चेंज करना है, फॉल्स फॉल्सनेस, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस होगा, इंटेलिजेंसी होगा, यंग यूथ, प्रोटेक्ट प्रोटेक्शन, हेट हेटेड, बॉर्नस स्लेवरी, ब्लीवनेस, बिहेवियर, ऑनरशिप, ये एब्स्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएंगे। नाउ कैटेगराइज एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में आपको एक टेबल लिखना है। ओके, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट में आएगा, कंक्रीट में ग्लास आएगा। ट्रस्ट है ना एब्स्ट्रैक्ट है, बेबीज, लव एब्स्ट्रैक्ट में, बुक कंक्रीट हो जाएगा, केयर एब्स्ट्रैक्ट, नॉलेज ओबीडियंट एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंक्रीट वो चीज़ ही थी ना, पीपल प्लेस थिंग्स है ना, ये सब हमारी कंक्रीट थी। तो देखिए प्लेस आ गया, थिंग आ गया, कुकीज थिंग आ गया ना, तो ये सब पर्सन बेबीज, तो ये सब हमारे कंक्रीट में चले जाएंगे। तो आपकी एब्स्ट्रैक्ट में आइडियाज फीलिंग्स ये सब एब्स्ट्रैक्ट में थी। नाउ काउंटेबल अनकाउंटेबल राइज, हमें नंबर्स में नहीं काउंट कर सकते ना, अनकाउंटेबल कैट, कैट को हम 1, 2, 3 में से बोल सकते हैं। चीज अनकाउंटेबल, गार्बेज अनकाउंटेबल है, कैंडल काउंट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है ना, वन इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं, तो अनकाउंटेबल। रेस्टोरेंट गिन सकते हैं, वाटर अनकाउंटेबल, शुगर अनकाउंटेबल, डॉग काउंटेबल है, 1, 2, 3 में ऐसे गिन सकते हैं। ओके okay?